नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। आज इसी होटल में राज ठाकरे आने वाले हैं। राज ठाकरे इस रेजेंसी होटल में आज करीबन 2 बजे नाला सोपारा में पहली बार नहीं भी दूसरी बार कह सकते हैं करीबन राज ठाकरे का आगमन। अब ये नाला सोपारा वसई विरार के अंतर्गत चुनावी समय में चुनावी महा समर में उनका आगमन होने जा रहा है। हालांकि माना जा रहा है कि चुनाव कब होगा इसकी कोई तारीख तय नहीं है, लेकिन राज ठाकरे की एंट्री कई मायनों में राजनीतिक गणतज्ञों के लिए सोचने पर मजबूर कर रही है। आज राज ठाकरे नाला सुपारा में आएंगे 2 बजे के करीबन। बताया जा रहा है कि नाला सुपारा फाटा के आसपास उनको बाइक रैली के माध्यम से उनको बड़ी भारी तादाद में मनसैनिक उनको यहां तक लेके आएंगे। उसके बाद यहां पर कार्यकर्ता मेलावा होगा, यानी कार्यकर्ताओं से संवाद साधेंगे राज ठाकरे, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर निचले स्तर पर जमीनी रूप में कैसे मनसैनिक वसई विरार में काम कर रहे हैं। आने वाले समय महानगर पालिका का इलेक्शन है, इसे देखते हुए साथ साथ 2024 का लोकसभा, उसके बाद विधानसभा के इलेक्शन है। हालांकि दो विधान चुनावों पर ज्यादा मुख्यतः उनका ध्यान होगा, वो होगा महानगर पालिका और उसके बाद लोकसभा चुनाव को लेकर। आप देख सकते हैं यहाँ पर बैनरबाजी पूरी तरह लगी हुई है। आप हाईवे से लेकर यहाँ तक देखेंगे, स्क्रीन पर साफ तौर पर आपको तस्वीरें नजर आ रही होंगी कि हाईवे से लेकर यहाँ तक, यानी वसई फाटा हो, नाला सुपारा फाटा हो, और चाहे ये रेजेंसी होटल के आसपास हो, या यहाँ से जब रेजेंसी होटल से पत्रकार वार्ता करने के बाद वो निकलेंगे, प्रफुल्ल ठाकुर का कार्यालय उद्घाटन करेंगे। वसई के में सतपाड़ा गांव के पास में ही एक गांव है नाला गांव, उसमें जो कार्यालय का उद्घाटन करेंगे वहां तक लगभग बैनर से पाट दिया गया है। हालांकि राज ठाकरे के आने के पीछे के राजनीतिक मायने क्या होंगे, ठाकुर के गढ़ में ठाकरे की एंट्री से क्या कुछ होगा, ये सब समय बताएगा। आज दिन भर की पूरी चर्चा में देखते रहिए एंटी करप्शन न्यूज़, आपको हम बताते रहेंगे पल पल की अपडेट।